और झारखंड के रांची में करोड़ों का कैश बरामद। मंत्री के पीएस के नौकर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। आलमगीर आलम मंत्री हैं, पीएस के नौकर के घर से कैश बरामद हुआ। नौकर के घर से 500-500 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई हैं। ईडी ने कैश बरामद किया और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मानो रद्दी का ढेर पड़ा हो, इस कदर नोटों की गड्डियां रखी गई हैं और इनको गिनने में मशीनें भी खराब हो जाएं, इतना ज्यादा कैश यहां से बरामद किया गया है। करोड़ों का कैश है लेकिन कितना है इसको गिनने में काफी वक्त लगेगा। रांची से हमारे साथ सहयोगी धनंजय कुमार लाइव कनेक्ट हैं। धनंजय, आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहां से इतनी बड़ी राशि, इतना ज्यादा कैश बरामद किया गया है, क्या जानकारी है, कैसे ईडी को क्लू मिला और आगे क्या एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है 2023 में वीरेंद्र राम जो ग्रामीण विकास में इंजीनियर थे, वो ईडी के रडार में थे, वो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। उनसे जो इनपुट मिली थी, हम अभी पथ निर्माण विभाग झारखंड सरकार में पथ निर्माण इंजीनियर विकास कुमार के ये आवास है विकास कुमार, जहाँ पे ईडी अधिकारी अंदर मौजूदा ईडी अधिकारी ना ही गेट बाहर से बंद कर दिया गया। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये आवास के अंदर में छापेमारी चल रही है। तस्वीर देखिए, विकास जो इंजीनियर है उनके आवास के बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पे छापेमारी की जा रही है। हालांकि सीआईएसएफ के जवान ईडी के अधिकारी इसके अंदर में है और यहाँ पे कई दस्तावेज मिले हैं जिससे पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, ना अंदर कोई जा सकता है ना बाहर कोई आ सकता है, तमाम गेट को लॉक करके यहाँ पे जांच की जा रही है। और दूसरी बात है कि आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड सरकार में, उसके पीएस पर्सनल सेक्रेटरी के नौकर के घर पे लगभग 20 से 25 करोड़ की राशि बरामद की है। जैसे मानो कि जो हम रद्दी पेपर के रद्दी घर में फेंके हुए रहते हैं, उस तरह के 5-5 गड्डियां हैं उनके आवास से मिले हैं। और 3-4 लोकेशन जो मेन लोकेशन है, चिरौंदी, बरियापुर और सेल सिटी, हम अभी सेल सिटी में मौजूद है और सेल सिटी में जो झारखंड सरकार में इंजीनियर है, यानी पथ निर्माण विभाग में विकास कुमार इंजीनियर है, उनके आवास के बाहर ही हम मौजूद है। और ये विकास कुमार के आवास के बाहर से हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इसके अंदर अधिकारी मौजूद हैं और सीआईएसएफ के जवान हैं, सारे लोग अंदर में और छापेमारी की जा रही है। कई इनपुट्स मिले थे वीरेंद्र राम जो भ्रष्टाचार के आरोप मिले के तहत वो जेल में बंद है, समुद्र जेल में बंद है, वहां उनसे पूछताछ होने के बाद इनका नाम सामने आया था। उनका नाम सामने बाद सुबह सुबह ही घर पर छापेमारी की जा रही है। फिलहाल अब बीजेपी भी हमलावर हो गए, निशिकांत दुबे सांसद की अगर बात करें तो उन्होंने ट्वीट करके कहा है, एक्स पे अपने पोस्ट किया, उन्होंने कहा है कि नोट की काउंटिंग शुरू 50 करोड़ पर जा सकती है, शुरुआत है। झारखंड सरकार भ्रष्टाचार के संलिप्त में, प्रधानमंत्री मोदी जब आए थे पिछले दिनों आए थे यहाँ पर, भ्रष्टाचार में सरकार पे आरोप लगे थे, हेमंत सोरेन की बात करें या तमाम आईएएस और आईएएस आईपीएस अधिकारियों पे जो लगे हुए थे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जेल में बंद है, तो एक एक करके बीजेपी अब हमलावर है और बीजेपी ये बुनाने की भी कोशिश करी। हालांकि देखिए, झारखंड सरकार का ईडी से नाता एक भ्रष्टाचार के नाता अलग से लगा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन की बात तो भ्रष्टाचार के पूर्व मुख्यमंत्री है, जेल में बंद है। छवि रंजन जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बंद है। उसके बाद पूजा सिंगर वो भी जो आईएएस है ब्यूरोक्रेट्स, वो भी भ्रष्टाचार के आरोप में, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद है। और साथ ही साथ ये वीरेंद्र राम जो सबसे बड़े ग्रामीण विकास में इंजीनियर थे, वो और उनके वो जेल में बंद, उनसे जो इनपुट मिले थे, इन तमाम जो रिलेटेड जानकारियां मिली है उसी रिलेटेड, देखिए ग्रामीण विकास मंत्री हैं आलमगीर आलम झारखंड सरकार में और संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो ग्रामीण विकास के ही इंजीनियर के आवास पे छापेमारी चल रही है। हालांकि जो तार है झारखंड सरकार से जुड़ते जा रहे हैं और आलमगीर आलम उसी विभाग के मंत्री हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है, सरकार इस पर क्या अपना प्रतिक्रिया देती है। बीजेपी हमलावर हो, बीजेपी प्रवक्ता हो या सांसद, तमाम लोगों ने ट्वीट आना एक्स पे पोस्ट करना शुरू कर दिया और इसी आवास के अंदर में अधिकारी है, हमने अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे इसी आवास के अंदर में ही वो अधिकारी, कुछ देर के बाद तमाम जानकारियां निकल जाती है। सबसे बड़ी बात, कितना कैश कितना है, कोई अंदाजा अब तक लग पाया क्या धनंजय? क्योंकि जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये अंदाजा लगाना भी आसान नहीं होगा, काउंट करना भी आसान नहीं दिख रहा, काफी टाइम लगेगा, फिर भी कितना इसे गेस किया जा रहा है कि कितने करोड़ की ये राशि है? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस के एक सांसद थे जो जिसके आवास पे 350 करोड़ की राशि बरामद हुई थी नवंबर दिसंबर में, दिसंबर के आसपास में,
तो कांग्रेस एमएम सरकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगते आए हैं और वहां पे खुद का ईडी ने जांच किया तो वहां से कुछ ना कुछ एविडेंस भी मिला है। 350 करोड़ की बात करें या पूजा सिंघल की आवास से जो पीए पूजा सिंघल के जो पीए थे उनके आवास से 17 करोड़ जो बरामद हुए थे, साथ ही साथ वीरेंद्र राम जो कन अभियंता है उनके कई प्रॉपर्टीज झारखंड नहीं झारखंड के बाहर में भी कई प्रॉपर्टीज थे, ग्रामीण विकास विभाग में अभियंता थे, इंजीनियर चीफ इंजीनियर थे, उनके आवास पे भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे। झारखंड सरकार में कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन पे आरोप लगे हैं और ईडी ने उतना जानकारी इकट्ठा की तो छापेमारी में वो सबूत भी मिले। उसके बाद ये छापेमारी आज सुबह उसी रिलेटेड छापेमारी की जा रही है, वीरेंद्र राव से रिलेटेड ही छापेमारी की जा रही है। सबसे बड़ा यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है कि आलमगीर आलम झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास में मंत्री हैं और ग्रामीण विकास से रिलेटेड छापेमारी हो रही है तो क्या ग्रामीण विकास में इतने बड़े भ्रष्टाचार के जो नोट हैं, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते आ रहे हैं, जो सरकार पे आरोप लगते आ रहे हैं वो पुख्ता होते जा रहे हैं कि करके, क्योंकि कांग्रेस के सांसद के घर से पैसा मिलना। ठीक है, नजर बनाकर रखिए, जो भी आगे अपडेट होगा दर्शकों को हम लगातार रूबरू करा रहे हैं।